पहले तो इंडिया में कंपटीशन हुआ था इंडिया पुलिस, और उसी में पूरा ऑल इंडिया पुलिस और से जितना भी होता है सारा लोगों का कंपटीशन हुआ था। उसके बाद उसमें बोर्ड लेने के बाद और उनका जो क्वालिफाई होता है वो करने के बाद फिर मतलब सिलेक्शन हुआ हमारा वर्ल्ड पुलिस के लिए। स्पोर्ट्स कोटे से आपका चयन हुआ बीएसएफ? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से ही चयन हुआ है बीएसएफ। अच्छा, बीएसएफ से आपने जो है लगातार अपना जो रुचि थी खेलों की वो जारी रखी, तो उसके बाद किस तरीके से आपको टीम जाने का मौका मिला? हाँ, मतलब प्रैक्टिस तो कंटिन्यू चली रही थी, तैयारी बीएसएफ में जाने के बाद भी एक साल ही हुआ है मुझे भी ज्वाइन किए हुए, उससे भी पहले मेरे मेडल हैं। और इसके बाद मेरा कॉम्पिटिशन हुआ जैसे मैंने अभी बताया इंडिया पुलिस, उसके बाद ही मौका मिला, उसमें गोल्ड मेडल जीती मैं और क्वालिफाई किया, उसके बाद मुझे मौका मिला चाइना जाने का। तो अभी आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेकर के जीता है ये बताइए, और दूसरा चलो बाद में बाकी क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ ये बताइए आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेकर के अभी जीता? वर्ल्ड पुलिस गेम्स थे। तो वर्ल्ड पुलिस गेम में आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ट्रिपल जम्प में गोल्ड और लॉन्ग जम्प में सिल्वर। भारत लौटी हैं आप, भारत लौटने के बाद अभी आपको किसी सरकार की तरफ से या किसी स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से आपको जो है अभी तक सम्मानित करने के लिए कोई ऑफर आया हो या किसी ने कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बस वही मुरादाबाद में वही सम्मानित किया गया था मुझे, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, जब मतलब वहाँ बीएसएफ ज्वाइन होने से पहले मैं मुरादाबाद में प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पे एक कोच है उन्होंने बुला के और डीएम सर ने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया था। उसके अलावा तो और वो घर पे गए थे सर, वरना वैसे तो ज्यादा नहीं हुआ है। आप लड़की हैं और लड़की होकर के आपने देश का नाम रोशन किया है चीन की धरती पे, आपने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है, कोई संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, मतलब रोका ना जाए घर पे, वरना लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं और लड़कों से आगे निकल सकती हैं, निकल भी रही हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से ज्यादा ही आगे हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि लड़कियों को हर चीज में जो भी वो करना चाहे उसमें बढ़ावा ही देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप अमरोहा लौटी, आज आपका सम्मान कहाँ पर हुआ? आज यहाँ पे ब्लॉक में हुआ है, अमरोहा ब्लॉक में। कैसा महसूस कर रही हैं आज आप, जो आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हासिल की है उसके बाद में? अच्छा तो मैं महसूस उसी दिन कर लिया था जब मैं अपना झंडा लेके वहाँ पे गोल्ड पे खड़ी हुई थी, अच्छा तो महसूस तभी हो गया था मुझे, यहाँ पे और भी मतलब अच्छा तो लग ही रहा है। तो इसके अलावा कोई और मतलब मैसेज देना चाहें, जो आप जैसे अभी हालात चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के आगे चल रहे हैं, दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनसे क्या चाहती हैं आप, क्या इसको आपको और कुछ अभी आगे बढ़ना हो जहां आपको मदद चाहिए? मैं तो ओलंपिक की तैयारी करना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं ओलंपिक खेलूं और उसमें मेडल जीत के लाऊं अपने देश के लिए। एक सवाल हमारा यह है कि बीएसएफ में जाने और आपके स्पोर्ट्स के मैदान में जाने के लिए आपको जो प्रेरित किया है और आप इसका श्रेय किसे दें जो अभी आपको? हाँ, मेरे कोच हैं और मेरे माता पिता हैं, मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराया, रणदीप सिंह, और मेरे मतलब जिस स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ से इंटर किया नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, उनके प्रिंसिपल सर भी मेरे कोच, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं सभी लोगों को अपना मतलब श्रेय देना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने ये प्रतियोगिता जीती है, क्या आपसे पहले जीती थी, आप पहली महिला? नहीं, मैं पहली महिला तो नहीं हूँ, बाकी किसी और लोगों ने भी जीती है, महिलाओं ने भी। कौन सा स्थान मानेंगी आप अपना, जिस तरह कुछ ऐसा आपको पता है इस बारे में? मैं अपना स्थान अपने ये तो अच्छा ही मानूंगी, मैं सब लोगों के समान ही, पर मुझे आगे जाके और अच्छा करना है, सब लोगों से भीड़ से निकलना है, मुझे भीड़ में रह के नहीं चलना है। पड़ती है।